सेशन के थ्रू आप समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अगर इस चैप्टर में तो ये सबसे कॉमन पूछा जा सकता है कि वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ठीक है तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने ये बात करी थी ये इस तरह का डेवलपमेंट जन... होता है कि जिसमें आप अपनी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करते हैं बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आप बचा के रखते हैं तो आप जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जो रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं उनके लिए भी आप उसको सेव करके रखते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसी तरह से किया जाता है कि भाई उसका जो जितनी नीड है जितनी रिक्वायरमेंट है हमें रिसोर्सेज की उतने ही रिसोर्सेज यूज किए जाए ठीक है और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेस का क्या किया जाए सेव कर कर रखा जाए क्योंकि वो भी ये रिसोर्सेस को एंजॉय कर सके और वो भी उस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके ठीक है तो ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है अगर आप एग्जाम में इस तरह से डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हाउ मैनी एस डी जी बाय यूनाइटेड स्टेट टू ट्रांसफॉर्म दी वर्ल्ड देखिए हमने बात करी थी एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 17 गोल्स यूनाइटेड नेशन ने जो दिए थे आपको जिसके अंदर अलग अलग गोल्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी थी ठीक है तो 17 गोल्स तो इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कितने गोल्स थे भाई सेवनटीन गोल्स थे ठीक है सेवेंटीन वर लॉन्च एट ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड ठीक है ट्रांसफॉर्म दी वर्ल्ड आप यहां पे लिख सकते हैं ठीक है और किसने किया था यूनाइटेड नेशन अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में ठीक है तो ये एसडीजी का यही गोल था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए वो सेवेंटीन गोल्स हैं जिनको ध्यान रख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए और सारी कंट्रीज को मिलकर काम करना था और 2030 तक ये सारे गोल्स जो जितने भी 17 गोल्स डिफाइन किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर वो सारे गोल्स 2030 तक क्या करने थे हमें अचीव करने थे ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको ये भी याद रखना है कि कितने गोल्स थे एस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो कितने थे सेवनटीन थे क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नी वन प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रोसेस दैट बींग यूज टू हेल्प प्रिजर्व दिनमेंट देखिए तो आपको एक प्रैक्टिस बतानी है कोई एक एग्जाम्पल देना है कि जिससे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं तो हमने बात करी थी अगर लेक्चर के अंदर तो लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है हम केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं केमिकल का यूज ना करते हुए तो हमारी जो सॉइल होती है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है क्योंकि अगर आप बात करें बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो कई सारी फार्मिंग में केमिकल्स का यूज किया जाता है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए तो उससे क्या होता है सॉइल का डिग्रेडेशन होता है मतलब सॉइल की क्वालिटी ओवर अ टाइम क्या होने लगती है डिक्रीज होने लगती है जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो खत्म होने लगते हैं तो ये क्या हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल नहीं है बट तो हमें यहां पे एक प्रैक्टिस बतानी है कोई भी आप प्रैक्टिस बता सकते हैं तो हमने यहां पर लिखा है वन सच प्रैक्टिस इज ऑर्गेनिक फॉर क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप क्या करते हैं बच्चों आप केमिकल्स का यूज नहीं करते जिससे कि सॉइल खराब नहीं होती डिग्रेड नहीं होती है और हमारा इन्वायमेंट क्या रहता है प्रोटेक्ट रहता है तो आप बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस लिख सकते हो जैसे कि बैन करना है प्लास्टिक बैगेज उसको जहां कि आप प्लास्टिक बैगेज को क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज से बैग से तो वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है कि आप क्या कर रहे हो को प्रोटेक्ट कर रहे हो कुल्लार्स वाली हमने बात करी थी कि जो हमारे टी कप या कॉफी कप टी कप थे जो रेलवे के अंदर जो पेपर बैग से या प्लास्टिक से बन रहे थे तो उसको हमने रिप्लेस किया था कुल्लर से ठीक है थीके? जो कि आपका एक क्ले से बनता है तो वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है प्रैक्टिस है या इनिशिएटिव है तो आप मल्टीपल ऐसे बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रैक्टिसेस जो लिख सकते हैं तो हमको यहां पे वन पूछा गया था तो हमने एक प्रैक्टिस लिखी और ऐसे क्वेश्चंस आपको वन मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये वन वर्ड आंसर है तो आपने यहां पे दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ठीक है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप जो दे सकते हैं नाउ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टूअर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एजुकेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है क्योंकि जो हमने 17 गोल्स की बात करी थी तो वहाँ पे भी था बिल्कुल एजुकेशन का क्या पर्पज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कि भाई जब आप एजुकेट होते हैं तो आपके पास नॉलेज होती है आप नॉलेज से भरपूर होते हैं ठीक है आपके पास हर चीज की नॉलेज होती है क्या करना है क्या नहीं करना है स्किल्स होती आपके हाथों में स्किल होती है ठीक है वैल्यूज एटीट्यूड टू तो टेक इंफॉर्म्ड डिसीजन एंड मेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन बिल्कुल कि जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको आपके पास एक डिसीजन मेकिंग की ताकत आती है जिससे कि आप अच्छे डिसीजन और रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं अपने लाइफ के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत सारी चीजें जरूरी हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमारा रोल क्या है हमें क्या रोल प्ले करना है तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है कि लोग एजुकेटेड होंगे तो लोगों के अंदर वैल्यूज आएंगी स्किल आएगी ठीक है और वो नॉलेज से होंगे तो उनको पता चलेगा कि इन्वायमेंट के लिए क्या अच्छी चीज है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्लियर फॉर इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी इकोनॉमिक वायलेबिलिटी जस्ट सोसाइटी तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो एजुकेटेड लोग वो हर फील्ड में मतलब चाहे वो हम बात करें इकोनॉमिकल तरीके से या एनवायरमेंट के या हम बात करें सोसाइटी के लिए तो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हर तरह से ग्रोथ करनी है हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोडक्ट है हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं तो उनकी भी ग्रोथ हो तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा अचीव कर पाएंगे हम तो एजुकेशन का एक ये इंपॉर्टेंस है कि जो सबको क्या मिलेगी वैल्यूज मिलेगी नॉलेज मिलेगी स्किल मिलेगी, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एजुकेशन नहीं होगा तो जैसे कि जो विलेजेस में रहते हैं उनके पास एजुकेशन नहीं होता है तो उनको क्या पता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या नहीं करना चाहिए इन्वॉर्मेंट के अंदर तो बट बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए हैं लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने का कि वो हमारे साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या कर सके साथ चल सके तो ये इंपॉर्टेंस है तो आप इस तरह से ये आंसर लिख सकते हैं ठीक है आपको चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज आपको खुद अपनी बनानी पड़ेगी ठीक है आप अगर चीजों को समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात तो इसमें सिंपल एंड लैंग्वेज लिखी है जिससे कि आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं नाउ फिर क्वेश्चन क्या आता है लिस्ट सम वेज इन विच वी वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली कि जो हमारे एनवायरमेंटल एनवायरमेंट में हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताने हैं कि जिससे आप जो एनवायरमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनको सेंसिबली यूज कर पाए मतलब जितना नीड हो उतना ही यूज करें सबसे पहले हमने यहां पे बात करी सेव एनर्जी क्या बात करी सेव एनर्जी की बात करी क्योंकि एनर्जी को सेव करना क्योंकि एनर्जी भी हमारा एक रिसोर्स है तो मेजोरिटी ऑफ आवर एनर्जी बाय बर्निंग बिल्कुल कि भाई जो जो फ्यूल्स होते हैं आपको ज्योग्राफी के अंदर पता है कि फ्यूल्स क्या होते हैं तो जो हमारी मोस्ट ऑफ दी एनर्जी है ठीक है कहां से आती है बर्निंग फॉजिल फ्यूल्स से तो आप एनर्जी को सेव करिए मतलब कम फॉजिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो एनर्जी सेव होगी इन्वामेंट हमारा हार्म नहीं होगा ठीक है तो हम एक सेंसिबल तरीके से क्या कर रहे हैं रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं एक ये हो गया

तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना पड़ेगा वाटर को क्लीन करना पड़ेगा तो ये सारे तरीके हैं ठीक है वाटर को बचाना है हमें सिर्फ बात नहीं करनी है उस पर उस काम भी करना है तभी हम ये रिसोर्स को सेंसिबली यूज कर पाएंगे री यूज एंड रिसाइकिल बिल्कुल री यूज एंड है ऑलवेज रिमेंबर टू रिड्यूस री यूज रिसाइकिल यूर ओल्ड प्रोडक्ट और मटेरियल हमें बिल्कुल हमें ये कोशिश करनी चाहिए जितने हमें नीड है उतनी ही चीजों को यूज करना चाहिए रिसाइकल री यूज करते रहना चाहिए इसे प्लास्टिक प्लास्टिक का क्या होता है प्लास्टिक बहुत सारी है दुनिया में बहुत सारी बन चुकी है तो उनको रीयूज और करते रहना चाहिए नया नहीं बनाना चाहिए नया प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक तो रिसाइकिल री यूज हो सकती है और प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में बहुत टाइम लगता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि इन रिसोर्स का सेंसिबली यूज कर रहे कि ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लास्टिक पहले से और भी प्लास्टिक बनाते जा रहे हैं तो ये हमारे को अफेक्ट करेगा जो प्लास्टिक हमारे पास है उसको हम रिसाइकल करके रीयूज करके फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बना लेंगे ठीक है तो ये हम क्या कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट रिसोर्सेस को सेंसिबली यूज कर रहे हैं कि एनर्जी जो है हमारे एनवायरमेंट हमें मिल रहे है, उसको उसको सेव कर रहे हैं जो वाटर है उसको कंजर्व कर रहे हैं रीयूज एंड रिसाइकल का फंडा लेके आ रहे हैं हम ठीक है चलिए तो इस तरह इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं तो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था मैं ठीक है तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं नाउ वॉट आर मेजर चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बिल्कुल कि क्या क्या चैलेंजेस है हमारे सामने जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करते हैं ठीक है थीके? तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहां पर द मेन चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है क्या चैलेंजेस है इंक्लूड पावर्टी ठीक है पावर्टी बिल्कुल गरीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि लोग सोसाइटी में इक्वल नहीं है पावर्टी बहुत बड़ी चीज है ठीक है गरीबी की वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि गरीबी की वजह से लोग एजुकेटेड नहीं हो पा रहे उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो वो सोसाइटी में प्रॉपर रह नहीं पा रहे तो गरीबी हमारे लिए एक चैलेंजेस है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बिल्कुल बेरोजगारी भी हमारे लिए एक सस्टेनेबल क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो पूरी तरह से बर, एक बिल्कुल फाइन डेवलपमेंट है क्या आप इन्वायमेंट के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सोसाइटी के लिए तो लोग अन्प्लॉयमेंट होंगे तो तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ठीक है बेरोजगार रहेंगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी आगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा डेवलपमेंट तो हम ही लोग सब मिलकर करेंगे ना क्लाइमेट चेंज आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है कभी भी कोई भी क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है ठीक है तो यह भी एक मेन चैलेंज हमारे पास लैक ऑफ लोकल गवर्नेंस बिल्कुल कुछ जो लोकल की गवर्नेंस है ठीक है उसमें हम कहीं फेल हो पा रहे हैं लोगों तक तो अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके ठीक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज बिल्कुल दो देशों के बीच में कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी मैटर को लेकर तो वहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस है दो कंट्री आपस में किसी बात को लेकर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी वजह से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या हो रही है अफेक्ट हो रही है करप्शन अनदर चैलेंज बिल्कुल करप्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर तो करप्शन हर कंट्री के अंदर होता है किसी कंट्री में ज्यादा होता है किसी कंट्री में कम होता है तो दीज आर आर कि और भी चैलेंजेस बट हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की बात करी तो आपको एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि राइट डाउन द चैलेंजेस ठीक है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ तो आप ये चैलेंजेस एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें हर चीज देखनी होती है चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो चाहे वो इन्वायरमेंटल ग्रोथ हो चाहे वो सोसाइटी की ग्रोथ हो ठीक है चल फिर क्वेश्चन क्या हाउ डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे वर्क करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बाई इंश्योरिंग सफिशियंट ऑफ लैंड राइट टाइप इज अवेलेबल इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू सपोर्ट ग्रोथ देखिए अगर इकोनॉमी की बात करें ठीक है तो इकोनॉमी मतलब क्या है आपकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो उस डेवलपमेंट को करने के लिए क्या है बच्चे कि भाई हमें यह पता करना पड़ता है कि हमारे पास सही जगह पे सही प्लेस पे ठीक है अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से सुफिशियंट लैंड ठीक है टाइप इज अवेलेबल हमारे पास लैंड होना चाहिए जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम टू सपोर्ट ग्रोथ और हमारे पास एक, सम, एक सही जगह और सही टाइम जब हम ग्रोथ को सपोर्ट कर सके जब हम लेट सपोज गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया जिससे कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने वाली है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है ठीक है तो हमें वो राइट जगह राइट टाइम और राइट प्लेस देखनी पड़ती है कि जिससे हमारा इकोनॉमी ग्रोथ हो जाए ठीक है एंड द इनोवेशन आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स और हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या न्यू टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं क्या इनोवेटिव बना सकते हैं कुछ जिससे कि लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और जब किसी कंट्री के सिटीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग उस कंट्री की ऑटोमेटिक क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगती है और हमें डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है क्या चीजें किस टाइम पर डेवलप करनी चाहिए मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी किसी सिटी के अंदर मेट्रो रिक्वायरमेंट है कि भाई हां उस सिटी को मेट्रो रेल मेट्रो रेल चाहिए तो वहां पे हमें ये करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट है मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की नीड होती है तो प्रोडक्ट बिकता भी ज्यादा है ठीक है तो भाई उससे क्या होगा गवर्नमेंट को भी पैसा आएगा लोगों की जॉब क्रिएशन होगा तो कंप्लीट क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ये ठीक हो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्लियर तो आप ये बातें लिख के बता सकते हैं कि, कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है नाउ नेम फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या बताना है चार ऑब्जेक्टिव बताने बिल्कुल आप बता सकते हैं चार ऑब्जेक्टिव कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या चार मतलब क्या चार चार ऑब्जेक्टिव मतलब चीजें को ध्यान रखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी बिल्कुल सबका प्रोग्रेस हो जितने लोग रहते हैं एक सोसाइटी के अंदर सब में प्रोग्रेस हो सबको इक्वली काउंट किया जाए कि एवरी इज इक्वल इन दोसाइटी ठीक है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि को प्रोटेक्ट किया किया जाए कि किया जाए कि कि डेवलपमेंट ऐसे हमारा इनवायरमेंट भी अफेक्ट ना हो ठीक है क्लियर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ऐसे किया जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको लिमिट में यूज किया जाए ज्यादा एक्सेसिव यूज ना किया जाए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट होने चाहिए क्लियर है ठीक है तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचुरल रिसोर्सेज को इसी तरह से यूज करना है कि उनको कंजर्व करके रखा जाए जितना नीड हो उतना ही यूज किया जाए ज्यादा वेस्टिंग ना हो या ज्यादा एक्सेसिव यूज ना किया जाए स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो लोगों की या किसी कंट्री की भी होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव यही थे वो 17 गोल्स के अंदर हमें यही बात बताई गई थी तो वो सारे ऑब्जेक्टिव थे जो कि हमें अचीव करने टू थाउजेंडी तक उनमें से चार ऑब्जेक्टिव हमने ले लिए क्योंकि यहां पे पूछा था नेम द फोर ऑब्जेक्टिव तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिड्यूस इन इक्वेलिटीज इन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूएन गिव एनी टू टू रिड्यूस इन बिल्कुल कि रिड्यूस इन इक्वालिटी क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूएन ने दिया उसमें से आपको दो वेज बताने दो तरीके बताने किस तरह से हम इन को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक गोल डिफाइन किया गया है बेटा एस के अंदर एस के अंदर एस एस के अंदर 17 गोल में से एक ये भी गोल है कि जो हम लोग के लोगों के बीच में इन है वो किसी भी बेस पे है ठीक है वो कास्ट रिलीजन जेंडर रेस के बेस पे है तो उसको रिड्यूस करना है और आपको दो वेज बताने कि कैसे कर सकते क्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना चाहिए लोगों के बीच में जो भेदभाव है या किसी को कम अपॉर्चुनिटी किसी के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए सबको बराबर इक्वल करना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में वो खत्म करना चाहिए बाय मेकिंग लॉज बाय मेकिंग पॉलिसीज ये हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है हमारे कंट्री के अंदर तो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है कभी कभी ठीक है होता है वो किसी भी बेस पे हो सकता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का तरीका क्या बाय लॉज गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पॉलिसीज बना सकती है कि जिससे लोगों के बीच में क्या हो इनक्वालिटीज क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए सेकेंड पॉइंट क्या है एम दी प्रमोट दी सोशल इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल बिल्कुल क्या होना चाहिए कि लोगों को प्रमोट करना चाहिए उनके एम्पावर करना चाहिए और सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हम मतलब हम सब का एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर ठीक है इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर पॉलिटिकल जो राजनीतिक चीजें होती हैं उनमें भी हमारा एक क्या होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जिसको जिसमें भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि भाई कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ में करना चाहता है इंडिया की किसी कंट्री की या सोशल करना चाहता है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऐसा नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेट करने के नहीं इनको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बेस्ड किस पे होता है इिस्पेक्टिव ऑफ एज सेक्स डिसेबिलिटी सेक्स मतलब जेंडर रेस ठीक है एथनिटिस ओरिजिन रिलीजन इकोनॉमिक और अदर स्टेट तो ये सारी चीजें जो हमको डिफरेंस कर रही है जो हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है वो चाहे हमारा एज हो ठीक है जेंडर के बेस पे हो रेस के बेस पे हो ओरिजिन के कहां से हम बिलोंग करते हैं क्या हमारा रिलीजन है तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी हम एज अ सिटीजन एज अ कंट्री के किसी भी सिटीजन के अंदर ये सारी चीजों पे उसके भेदभाव नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए सबको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए सबको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या चॉइस रखते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कई बार क्या होता है कि कुछ जॉब्स आती हैं जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलती है किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि कई गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं कि जहां है आपको कास्ट के बेस पे रिलीजन के बेस पे जेंडर के बेस पे ठीक है या रेस के बेस पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये ऐसे नहीं होगा लोगों को हमें इंपावर करना है लोगों को हमें नॉलेज देनी है कि भाई जो हमारे बीच में उसको रिमूव करो उसको हटाओ ठीक है उसको खत्म करो एंड करो डिस्क्रिमिनेशन का तभी हम सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे तो इंडिया के अंदर inequalities एक मेजर फैक्टर है क्योंकि यहां पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं तो काफी सारी इनक्वालिटीज हैं यहां पर तो अगर उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अचीव करना है तो हमें इन को खत्म करना पड़ेगा ठीक है तो आई थिंक ये पॉइंट्स और ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और एग्जाम में जितने मैंने अभी बताए इस तरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चे ग्रीन स्किल्स की यूनिट जो मैंने आपको पढ़ाई है वो अच्छे से पढ़ रही है और ये क्वेश्चन समझने हैं ठीक है थीके? फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा सिंपल है ठीक है अब मैं बात करने वाला हूं आपसे अगली यूनिट हमारी क्या होगी क्योंकि पार्ट ए की हमने दोनों यूनिट बच्चे क्या कर ली है पार्ट ए दोनों यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चे ठीक है स्टूडेंट्स तो पार्ट ए की दोनों यूनिट कंप्लीट कर दी विद क्वेश्चन कर दी क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो पार्ट ए हमारा बेटा क्या हो गया डन पार्ट ए के जो दोनों यूनिट है वो है डन अब हम बात करेंगे अगली यूनिट जो आएगी वो आपकी आएगी पार्ट बी से पार्ट बी जो बुक है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल उसमें जो थर्ड यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है जिससे कि आपको टेन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे टेन से टेन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो अगली यूनिट आपको इस पर मिलेगी अगला लेक्चर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पे मिलेगा ठीक है तो आपको आई थिंक आई होप आपको वो दोनों यूनिट जो पार्ट ए की है हमारी ठीक है एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और एक ग्रीन स्किल्स दोनों क्लियर होंगी उनके क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे तो अगली यूनिट आपको मिलेगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जो कि आपके पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की तो बच्चों अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को लाइक करें और उनको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने भी आईटी टी कोड फोर जीरो ले रखा है ठीक है तो शेयर करोगे तो और भी बच्चे तक ये नॉलेज पहुंचेगी अच्छी बात रहेगी जिनको लोगों को पता चलेगा और दोस्तों को भी बताओ कि डाउट नेट पर आई टी 402 की क्लासेस होती है और आपको क्लासेस जो है वो मिलने लगी है तो धीरे से आपकी एक पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी जिसमें आपकी मैं पूरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस और सारे लेक्चर डिलीवर कर दूंगा ठीक है बच्चों तो लाइव सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ठीक है थैंक यू वेरी मच बच्चों और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें ऐसे ही आप लेक्चर्स को देखते रहें ऐसे ही आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे बाय बाय टेक केयर स्टूडेंट्स